लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने जो है वो प्रोडक्ट एनालिसिस शीट किस तरह से बनाई थी, सोर्सिंग एनालिसिस किया था और सप्लायर कम्युनिकेशन का डाटा रखा था। आज हम सोर्सिंग एजेंट से शुरू करेंगे। सोर्सिंग एजेंट क्या होता है? सोर्सिंग एजेंट एक आपका थर्ड पार्टी एजेंट होता है, ठीक है, कि वो जहाँ से आप वो सोर्सिंग कर रहे हैं वहाँ का लोकल बंदा, फर्ज करें आप चाइना से कर रहे हैं तो वहाँ का कोई लोकल या जो चाइनीज जानता है नेटिव बंदा होता है, जो नेटिव लैंग्वेज को जानता है, वो जाता है कॉलिंग करता है और आपको अच्छा रेट लेके अच्छी एक प्रोडक्ट लेके देता है। लास्ट जो है लेक्चर से दो उसमें हमने सोर्सिंग खुद की, खुद से रेट लिए। जब हम ये कर लेते हैं, जब हम खुद से रेट ले लेते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारी प्रोडक्ट पे रेट्स क्या है, ठीक है। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमें जो है ना, ये आप कहीं भी डील करेंगे चाइना में तो अगर आप लोकल्स के थ्रू डील करेंगे तो आपको रेट और मिलेगा, अगर आप ऑनलाइन डील करेंगे तो आपको रेट और मिलेगा, ये एक नॉर्म है। क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो, उनको पता होता है होलसेलर हैं या उन्होंने भी आगे वो कारोबार करना है तो उस लिहाज से उनको रेट वो कम देते हैं। तो इस वजह से हम सोर्सिंग एजेंट को हायर करते हैं बेसिकली। तो सोर्सिंग एजेंट हमसे एक जो है वन टाइम फीस चार्ज करता है अपनी सर्विसेज की, तो 100 से लेके $350 तक चार्ज करते हैं लोग। तो सिलसिला उसका यही होता है कि हम उसको अपनी प्रोडक्ट की डिटेल बताते हैं और वो हमें प्राइस कोट कर देते हैं। अगर हमें प्राइस अच्छी लगती है तो हम उसको पे कर देते हैं और उससे सप्लायर की डिटेल्स ले लेते हैं। उसके बाद भी हमें वो हेल्प करते हैं कि हम सप्लायर से कम्युनिकेट करें, हम ग्रुप में ऐड कर देते हैं। उसके बाद अक्सर जो है सप्लायर वो चाइनीज बोलते हैं और इंग्लिश अच्छी नहीं बोलते, बस या ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं या कोई टूटी फूटी इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो बेहतर ये होता है कि सोर्सिंग एजेंट को आप हायर कर लें जब हम ये करते हैं। रेट में सबसे कम वाला दे दे। नहीं, वो आप जहाँ से पकड़ेंगे ना, आप उसका पहले किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को वेट करने का तरीका ये होता है कि आप जहाँ से वो ले रहे हैं वहाँ से आप उसके रिव्यूज ले लें, लोगों से पूछ लें। अगर आप फाइबर से कर रहे हैं तो वहाँ पे रिव्यूज ऑलरेडी होंगे, ठीक है। अगर आप किसी फेसबुक जो है वो ग्रुप से करते हैं तो आप एक दो ग्रुपों में वो पोस्ट डाल देंगे कि भाई मैं इसे डील करने लगा हूँ, किसी को पता है ये बंदा अच्छा है, नीचे 8-10 मिनट कमेंट कर देंगे आपको पता लग जाएगा। अच्छा, 100 से 350 तक ये लोग चार्ज करते हैं। नॉर्मल जो है वो 300-350 है, लो रेट वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे आपको? आप ये फाइबर पे ढूंढ सकते हैं, आपको ये कॉमर्स के डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स में मिलेंगे, ठीक है, डीएम बैंक ग्रुप में मिलेंगे, मतलब जो भी ई कॉमर्स के हैं ग्रुप्स हैं तो आप उनमें कोई भी पोस्ट डालें, मुझे सोर्सिंग एजेंट चाहिए तो लाइनें लग जाती हैं, ठीक है। बहुत बंदे हैं, बहुत सर्विस प्रोवाइडर हैं। नहीं तो आप वो फाइवर पे जाएं, आराम से लिखिए सोर्सिंग एजेंट चाइना, आपको बहुत सारे बंदे मिले और इनके रेट भी बड़े अच्छे होते हैं फाइवर पे, और आपको यहाँ पे सारी रेटिंग वगैरह हर चीज़ मिल जाती है। ये सबसे ईजीएस्ट वे है, आप फाइवर पे सर्च कर सकते। आपको हमारे पाकिस्तानी फॉर्म्स जो हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स के, उन्होंने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है हर चीज़ों का, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, तो यहाँ से आपको सस्ते मिल जाएंगे। अब इनसे डील हमने किस तरह से करना है? सबसे पहले आप उसको प्रोडक्ट की डिटेल्स बताएंगे सारी, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मटेरियल चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। फिर आपको जो प्राइस मिली होगी अलीबाबा से, आप उसका 50% लोअर करके उसको कहेंगे। बल्कि आपको $1 मिली है प्राइस, आपने उसको कहना कि भाई मुझे आप 50 पैसे में लेके दो, वो फिर ट्राई करेगा। अब वो एक है ना मशहूर मुहावरा है कि मौत दिखा के बुखार लेना तो ये वो सिलसिला होता है बेसिकली। तो हम उसको वो कहते हैं कि टारगेट दे देते हैं, अब वो जाता है बेचारा, वो खपता है पैसे हलाल करने अपने, ठीक है। उसको पता है कि चलो यार कुछ ना कुछ तो मैं वो ट्राई करूँगा तो मिलेगा, तो हम उसको वो दिखाते हैं कि वो जो है 50 सेंट तो वो 60-70 सेंट तक आ जाता है। तो मतलब ये एक्सपेक्ट करें कि अगर आपने उसको 50% लो करके प्राइस दी तो 20-30% वो करके ले आएगा, और 20-30% अगर आपकी प्राइस कम, सोर्सिंग कम हो जाती है तो आपकी जो है कम्पीट करने की सलाहियत अच्छी खासी बढ़ जाती है आपके, क्योंकि सोर्सिंग अच्छी हो जाती है, आप प्राइस कम कर सकते हैं, आप PPC में ज़्यादा मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट लगा सकते हैं। तो अच्छी सोर्सिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 20-30% एक नॉर्मल रेंज है
इतना वो कम करवा लेंगे आप, अगर आपने अच्छे तरीके से अलीबाबा पे निगोशिएट किया है, और अगर आपने सिर्फ खानापुरी की है तो फिर तो रेट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, फिर तो 100 या 200% भी कम करवा लेगा वो। अच्छा, सम सोर्सिंग एजेंट जो है ना वो कोट करने के भी पैसे लेते हैं, खासतौर पर ये पाकिस्तानी आजकल जो हैं तो वो कहते हैं जी अगर आपने जो है ना प्राइस कोट करवानी है, क्योंकि पाकिस्तानी वो टाइम बहुत वो ज़ाय करते हैं, आते हैं पूछ पूछ के चले जाते हैं, प्राइस कोट करने के भी हम आपसे 40-50 लेंगे, अगर आपको प्राइस पसंद आए तो ठीक है, और आप बाकी पैसे दे के हमसे एजेंट जो हमारा आपका सप्लायर है उसकी डील ले लें, ठीक है, तो इस तरह से भी लोग करते हैं डील जी। अच्छा, वैसे जो नॉर्म है कि वो आपको प्राइस कोट कर देंगे, उसके बाद आप उनको पेमेंट करेंगे और उसके बाद वो सप्लायर की डिटेल दे देंगे, ये सप्लायर आप इसके साथ डायरेक्ट हो जाओ, अब नेक्स्ट डील पे हमें उनकी ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, सप्लायर हम जब उनसे डील करते हैं तो उनको कहते हैं कि ऐसा सप्लायर हो जो अलीबाबा में मौजूद हो, अलीबाबा में मौजूद होने का फ़ायदा ये है कि हम उसको ट्रेड इंश्योरेंस से आराम से पेमेंट कर सकते हैं, वरना अमूमन 1688.com 1688 पे अली पे चलता है ज़्यादातर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, तो अली पे से पेमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पेपॉल है लेकिन वो है चाइना का, हाँ जी बिल्कुल लोकल, उन्होंने हर चीज़ अपनी बनाई हुई है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फ्रीड फॉरवर्डर पे, ठीक है, फ्रीड फॉरवर्डर क्या होता है बेसिकली, आपने सप्लायर से गुड्स बनवा ली, उसके बाद वो उठा के सामान आपका आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, इसको कहते हैं फ्रीड फॉरवर्डर। अच्छा, आपको अलीबाबा पे जो है मिल जाएंगे बहुत फ्री फॉरवर्डर, नॉर्मली अलीबाबा पे ही होते हैं, इसके अलावा आपको फायर पे भी मिल जाएंगे, फेसबुक ई कॉमर्स के जो ग्रुप है मैंने आपको अभी जो बताया उनसे भी मिल जाएंगे। अब आप ये देखेंगे कि कईयों का रेट जो है वो 3 है, कईयों का 1.5 है, किसी का 2 है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगी, इसका रेट बहुत ज़्यादा कम होगा ना, अमूमन यूजली वो स्कैमर्स होते हैं, वो आपसे इन्वेंट्री उठा लेते हैं, उसके बाद फिर वो ब्लैकमेल करते हैं कि जी अब वो रेट बढ़ गया है, अच्छा जी अब और पैसे दो तो फिर जो है ना हम आपको इन्वेंट्री वापस करेंगे, इवन कि आपको वो वापस भी नहीं करते इन्वेंट्री, आराम से आप उनको पैसे देते हैं, नहीं दोगे पैसे तो वो ऐसी कंडीशन में वापस करेंगे कि आपकी सेल भी नहीं होगी इन्वेंट्री, और ये हो रहा है आजकल, ये जो है रेट आपको बहुत ज़्यादा कम दिखाते हैं, $1 $1.50, जब इन्वेंट्री पहुँच जाती है फिर कहते हैं जी ये रेट बढ़ गया है, ये आपके कॉटन का साइज़ बड़ा है, ठीक है, या वेट उसका CPM इतना है, आपने किसी और फार्मूले से कैलकुलेट किया था, तो ये एक फ्रीड फॉरवर्डर की नॉर्मल प्रैक्टिस है कि गुड्स को ले गए फिर उसके बाद वो अपने जो है ना रंग बदल लेते हैं। अच्छा, फीडबैक, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी जो है सर्विस प्रोवाइडर है उसको आप हायर करने से पहले फीडबैक ले लेंगे जहाँ से आप उठा रहे हैं, ठीक है, या जो अलीबाबा से लेंगे आप तो फेसबुक ग्रुप से आप उसकी एक पोस्ट डाल लें और लोगों से 2-4 बंदों से पूछ लें कि किसी ने इसके साथ काम किया भी है कि नहीं। अमूमन ऐसा भी है कि अलीबाबा पे बहुत अच्छे हैं, उनके बहुत सारे फीडबैक हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप नहीं गए, ठीक है, उनकी इन्होंने इन्वेंट्री होल्ड कर लिया है या कोई भी मसला हुआ है। जी जी, फ्री फॉरवर्डर, बल्कि उनका अलग से टैग भी है फ्री फॉरवर्डर का, अलीबाबा पे भी मैंने आपको ये बताया ना, देखें अलीबाबा पे, फाइवर पे, ई कॉमर्स जो ग्रुप हैं फेसबुक के, किसी भी ग्रुप में लिख दें तो जो सेलर्स होते हैं या और जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आपको मैसेज कर देंगे जी, वो है बड़ा, वैसे भी आप वो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब फ्रीड फॉरवर्डर को क्या डिटेल्स हम देंगे कि हमें वो रेट देगा, हम उससे प्रोडक्ट का नाम और पिक्चर देंगे, दो चीज़ें रिक्वायर करेगा, उसको क्वांटिटी बताएंगे कि टोटल क्वांटिटी इतनी है जो हमने बनवाई है, एक बॉक्स की डायमेंशन बताएंगे, वेट बताएंगे, टोटल वेट भी उसको बताएंगे, ठीक है, इसके बाद हम उसको बताएंगे एच एस कोड एक ऐसा कोड होता है, उसको कहते हैं हार्मोनाइज कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम के तहत, 6 से 10 नंबर का एक कोड होता है जो इंटरनेशनल शिपिंग में यूज होता है, इससे जो कस्टम वाले हैं ना वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी गुड्स कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक है, तो वो उसको जब ये एच एस कोड का नंबर पता होगा तो ही आपको वो रेट कोड करेगा। तो अगर आपसे कोई जो है ना फॉरवर्डर ये नहीं पूछता कि आपका ये क्या है एच एस कोड, इसका मतलब है वो रियल फॉरवर्डर नहीं है। हाँ, ये हम सप्लायर को कहेंगे कि बताओ भाई क्या है एच एस कोड, वो हमें बता देगा कि ये एच एस कोड है। इसके अलावा गुड्स आपकी कहाँ पड़ी है, फैक्ट्री एड्रेस, क्योंकि उसने वहाँ से पिक करना है,
अब क्या टर्म्स हैं आपकी, ईएसडब्ल्यू थी, एफओबी थी, ये भी डिपेंड करता है। अगर थी एफओबी तो आपकी ये कॉस्ट बच गई, अगर थी ईएसडब्ल्यू तो ये फॉरवर्डर कहेगा कि मैं यहाँ से उठाने के भी $300 लूंगा आपसे या 200 लूंगा, तो उठाने के जो है पिकअप चार्जेस लेगा। नहीं, ये आपके वो टर्म्स पे है ना कि आपने जो सप्लायर के साथ क्या टर्म्स की। ईएक्सडब्ल्यू में नुकसान है, एफओबी में ये फायदा है कि ये सप्लायर की जिम्मेदारी है कि वो फ्री फॉरवर्डर को गुड्स पहुंचाए, ठीक है। शिपिंग टर्म्स आपने उसके साथ तय कर दिए कि डीडीपी है, डिलीवरी ड्यूटी पेड, यानी कि उसी ने क्लियर करवा के हमें अमेजोन तक पहुंचा के देना है या वेयरहाउस तक पहुंचा के देना है। डीडीयू है, डिलीवरी ड्यूटी अनपेड, ठीक है, वो क्लियर वो करवा के देगा लेकिन पेमेंट हम करेंगे जो आपकी कस्टम्स की है। और डैप है आपका कि हमने खुद ही कराना, क्लियर हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा जी, पैकिंग इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है हमने सप्लायर को कि आपने जब गुड्स उठा के अपने फ्री फॉरवर्डर को देनी है, उसको कहना है कि व्हाइट बॉक्स नहीं यूज करना, ठीक है, 5 लेयर कॉटन यूज करना है। मैं आगे बताता हूँ कि 5 लेयर कॉटन क्या होता है। इसके अलावा ये हमने उसको कहना है कि रैप करे अच्छे तरीके से जो बॉक्स है वो तो प्रॉपरली फिल करे। ये जो आप देख रहे हैं ना ये साइड वे, ये देखें एक तरह को हाँ हाँ ये साइड पे आप जो राइट साइड पे देख रहे हैं ना, ये कॉटन के अंदर ही सामान पड़ा हुआ है, स्टिक्स ही पड़ी हुई है। ये जो है फिलिंग हुई है साइड पे, एक तरह और लगी हुई है, यानी कि खाली जगह नहीं छोड़नी बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अच्छे तरीके से वो फिलिंग करे, फिलिंग करने के बाद उसको रैप करे वाइट टेप के साथ या रैपर के साथ, और जो है क्रॉप आपका ये कॉटन प्रॉपर रिफिल्ड हो या और इसके साथ एम्प्टी स्पेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये रैपर की मैंने एग्जांपल दे दी, आप कभी एयरपोर्ट पे गए हो ना तो जो है वहाँ पे ये रैपर लगे होते हैं। हाँ जी, तो ये इस तरह से या तो पूरे कॉटन को रैप कर दे या टेप से रैप कर दे ताकि उस आपका सिक्योर रहे। अच्छा, अभी फॉरवर्डर के साथ हमने जब डील करनी है तो उसके एसओपीज क्या है। हमने पहले तो उससे बिल ऑफ लेडिंग लेना है, जब भी हमने गुड्स उसको हैंड ओवर करनी है तो हमने अपने सप्लायर को कहना है कि इससे बिल ऑफ लेडिंग ले लो। बेसिकली ये रसीद होती है कि मैंने ये गुड्स ले ली, जो है फॉरवर्डर ये देता है रसीद कि मैंने ये गुड्स ले ली, फलाम की गुड्स हैं इस सप्लायर के पास पड़ी थी, इतनी क्वांटिटी है, यहाँ तक इन्होंने जाना है, सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। बेसिकली ये रसीद है। अच्छा, और ये जो है टाइटल का डॉक्यूमेंट भी है, ये गुड्स आपकी मलकियत है जो जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये अब ये जो होता है ना बिल ऑफ लैंडिंग, ये वैसे ये जरूरी भी होता है कि जो है इन्होंने आगे फॉरवर्ड करना है जब ये गुड्स जाएंगी साथ में आपके आपके जो है ये कस्टम से क्लियर होंगी या आपकी जब ये शिप होगी तो उसके साथ ये डॉक्यूमेंट जाता है। अच्छा, फॉरवर्ड के साथ यूजली जो जो नॉर्म है हमारा वो ये है कि 100% ये लोग पेमेंट एडवांस में लेते हैं, लेकिन अगर आप निगोशिएट करें तो 30-70 या 10-90 टर्म्स में भी आप इनसे एग्री कर सकते हैं। तो वो बंद हो गया। आगे आ जाते हैं। अच्छा, आमतौर पर ऐसा हो रहा है आजकल कि जो पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे जो है बैठे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तानी से लिंक बनाए हुए हैं और वो आपको कहते हैं कि जी हम आपसे आपसे हम सोर्सिंग की सर्विस भी ले लें और हम आपको फॉरवर्डिंग भी खुद ही कर देते हैं। वो बेसिकली वहाँ के लोकल जो फॉरवर्डर हैं उनसे रब्ता कर लेते हैं और उनसे रेट थोड़ा सा निगोशिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अब जो है बाहर का बंदा आता है उसको निगोशिएट करना थोड़ा सा मसला होता है, जिस तरह से ये सोर्सिंग में करते हैं कि इसी तरह वो फॉरवर्डिंग में भी करते हैं। अच्छा, इसमें अगर तो एक मेन मसला ये होता है आपके साथ कि वो आपको फॉरवर्डर का डायरेक्ट कोई भी लिंक नहीं होता आपके साथ, इसके थ्रू वो गुड्स भेज रहे हैं, हाँ ये मिडल मैन है। सोर्सिंग कहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको फॉरवर्डिंग में यूज़ करेंगे तो आपको ये नहीं पता कि आपकी गुड्स हैं कहाँ, ठीक है, और वो उठा के ले गया, आपको पता नहीं कौन सा फॉरवर्डर है ना आपके पास, ना आपको वो बिल ऑफ लेडिंग देंगे, ना आपको जो है सप्लायर का एड्रेस बताएंगे, अपना फॉरवर्डर का एड्रेस बताएंगे। तो इस वजह से ये थोड़ा सा रिस्की है इनसे डील करना, किसम के आपके आपने वो रिस्क ले लिया बहुत बड़ा।
अब आप डिफरेंट ये फॉरवर्डर से रेट लें, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा कम रेट वाले वुमन स्कैमर होते हैं, उनसे अवॉइड करें। बेहतर तरीका ये है कि पूछ लें लोगों से जो डील कर रहे हैं इनसे। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो वेबसाइट जहाँ से आपने ली है, फलकने अलीबाबा से लिया है या फाइबर से लिया, वहाँ भी उसके रिव्यूज देख लें, कितना पुराना बंदा है, कि कब से काम कर रहा है। अच्छा, ये जो है कॉमन इसकी प्रैक्टिस है फ्रॉडर की, बेशक स्कैमर हो या ना हो, कि अगर आपको ज़्यादा इल्म नहीं है या जो है इसमें मिसकंसेप्शन भी हो जाती है कि आप एक्चुअल वेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो जो है डायमेंशनल वेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं या सीबीएम जो है कर रहे होते हैं, क्यूबिक मीटर, उन्होंने रेट आपको सीबीएम का दिया होता है, आप समझ रहे होते हैं कि ये एक्चुअल वेट है। तो ये चीज़ें जो है ना अमूमन यहाँ पे मसला आता है, ठीक है। तो स्कैम होते हैं, स्कैम फॉरवर्डर होते हैं, वो आपको $1 रेट कोट करेंगे, आपकी जो है गुड्स पहुंच जाएंगी, उसके बाद फिर आपको ब्लैकमेलिंग करेंगे डिफरेंट तरीकों से, ठीक है। आपसे पैसे और डिमांड करेंगे, आप कहेंगे नहीं है और पैसे, तो फिर आपको गुड्स नहीं वापस करेंगे उस वक्त तक जब आप जो है वो पेमेंट नहीं करते, या ऐसी कंडीशन में वापस कर देंगे कि वो सेल के काबिल ही नहीं है। अच्छा, आपने जो है ना वो जब भी ये सप्लायर से डील करनी है तो उससे कमर्शियल इनवाइस लेनी है, आपकी कंपनी के नेम पे या आपके पर्सनल नेम पे ये इनवाइस हमने इशू कर दी कि ये गुड्स ली गई हैं इस डेट को, इतनी क्वांटिटी, सारी डिटेल उसमें। तो ये जो आपकी इन्वाइसेज है ना, आप जो है सप्लायर से भी लेंगे फिर फॉरवर्डर से भी लेंगे, इसका फायदा ये है कि कल को आपने जब टैक्स फाइल करना है, वैट फाइल करना है, या गवर्नमेंट में अकाउंट्स आपने बनाने हैं, वो फाइल करने हैं, उनको दिखाना है, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें जो है ना आपके बैंक अकाउंट से रिलेट करेंगी कि आपका ये सबूत है कि हमने यहाँ से डी पेमेंट, आपने जब भी एक्सपेंस क्लेम करना है कि मैंने ये जो है परचेजिंग की है, तो उसकी इन्वाइस दिखाएंगे, उसके जो है करस्पॉन्डिंग बैंक कोई भी स्टेटमेंट दिखाएंगे कि मैंने ये पेमेंट की, उसके आगे ये इनवाइस है। तो ये चीज़ें, इनवाइस और रियल आपकी जो है पेमेंट जो ट्रैक हो सके, ये ज़रूरी है। अच्छा, जब आपने वो पैकिंग करा ली, मैंने आपको ये 3 प्लाई का बताया था, ये आप देख रहे हैं, ये कार्डबोर्ड का बॉक्स देख रहे हैं, आमतौर पर हमारा ये बॉक्स होता है कार्डबोर्ड का, ठीक है। अच्छा, ये स्टार वाला जो बॉक्स है ना, ये है 1 प्लाई, ठीक है। ये जो पहले दो आप देख रहे हैं, अच्छा ये वाला और ये वाला, इसमें नुकसान ये होता है कि आपका ये हाल हो सकता है कि जो बॉक्स का, इसमें ये है कि एक तो ये साइज बढ़ गया, सीबीएम बढ़ गया इसका, दूसरा ये अभी इन्वेंट्री है वो भी ज़ाया हो गई, ठीक है। ये सिंपल ये नहीं होता, इसमें कोई कोई लेयर नहीं होती। अगर आपको ये 5 प्लाई है जो है 3 प्लाई लेते हैं, ये है 3 प्लाई, तीन होते हैं। नहीं, ये सप्लायर, हाँ ये सप्लायर देता है आपको, यही चाहिए अमूमन सप्लायर जो है ना आराम से देते हैं। कोई कोई होते हैं जो नखरे करते हैं, थोड़े से पैसे लेते हैं। तो ये एक जो है नॉर्मल, ये एक ऐसा समझिए कि ये नॉर्म है कि आपने 3 या 5 प्लाई लेनी, तो जो है ना ये चीज़ें आप खराब हो जाती हैं, तो आपकी इन्वेंट्री डैमेज हो सकती है, दूसरा रीड की कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये इस तरह से होगा तो उसका अलग बात है, आपका सीबीएम वेट बढ़ जाएगा। तो आपने हमेशा जो है वो 3 प्लाई या 5 प्लाई पे जो सिंपल ये है ना, ये वाला ये 5 प्लाई जी, ये है 3 प्लाई, ये सिंपल लेयर है जो 1 प्लाई है, एक ही होता है बॉक्स, एक ही लेयर होती है, ठीक है। तो कहते हैं 3 प्लाई कोरोगेटेड शीट या बॉक्स। अच्छा, अब हमने देखना है नेक्स्ट के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सप्लायर से किस तरह से करना है, नेक्स्ट लेक्चर में इंस्पेक्शन जो है किस तरह से करवानी है, उसकी रिपोर्ट को किस तरह से रीड करना है, बस। हाँ।